जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर दशकों से चली आ रही हिंसा के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए भारत पर आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से घुसपैठ दोनों देशों के बीच शांति को भंग कर रही है। जयशंकर के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि वह सीमा पार से किसी भी तरह के घुसपैठ कराने के आरोपों को खारिज करता है। बयान में आरोप लगाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझाने से भारत के इनकार के कारण क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को नुकसान हुआ है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर गए हैं। वहां उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी से घुसपैठ के मुद्दे पर टिप्पणी की थी और आतंकवाद के मसले पर भारत के स्टैंड को एक बार फिर से मजबूती से रखा था। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एचआर मैक्स मास्टर से बात करने के लिए पाकिस्तान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए इस समय मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि कुछ हफ्ते पहले हमारे सैन्य अभियानों के महानिदेशक के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में कहा गया था कि हम नियंत्रण रेखा के पार एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएंगे। गोलीबारी की ये घटनाएं बहुत बार देखने को मिलती हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होती रहती है, तो गोलीबारी ना करने का आधार बहुत स्पष्ट है क्योंकि गोलीबारी का कारण घुसपैठ है। इसलिए अगर घुसपैठ नहीं है तो जाहिर तौर पर गोली चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह एक अच्छा कदम है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने 25 फरवरी को एक आश्चर्यजनक घोषणा करते हुए कहा था कि वे जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को साफ कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही कूटनीति के रूप में इसे जायज बता सकता है। उन्होंने कहा, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है तो हमारी तरफ से सोच हमेशा से ही साफ रही है और सोच ये है कि हम आतंकवाद को किसी भी तरह से नहीं स्वीकार कर सकते, चाहे कूटनीति के रूप में हो या फिर राज्य कला के किसी अन्य पहलू के तौर पर। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सन 1947 के बाद से ही सीमा पार आतंकवाद एक बड़ी समस्या रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान के आतंकी समूहों की ओर से किए गए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में दरार आ गई थी। उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले ने भी दोनों देशों के बीच रिश्ते को खराब कर दिया था। वहीं अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस ले लिया गया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया गया था, तब भी संबंध पूरी तरीके से बिगड़ गए थे। बहरहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।